कंपनी से टकराने का दम नहीं था किसी दूसरे गैंग वालों में, लेकिन जब वो दोनों एक दूसरे को मारने की शपथ लेकर अलग हो गए, कंपनी का पावर काफी फीका पड़ गया और मुंबई का नया किंग कौन की दौड़ में कई दूसरे गैंग वाले मैदान में कूद पड़े और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, एक्सटॉर्शन ही नहीं बल्कि हर तरह का क्राइम भयानक तरीके से अपनी चरम पर पहुंच गया। बहुत सारे लोग मारे गए जिसमें मेरा बेटा भी था। लॉ एंड ऑर्डर बस गायब हो गया और मुंबई का हाल उस वक्त वहां तक पहुंच गया कि अंडरवर्ल्ड गैंग वाले, बिल्डर लोग, फिल्म वाले, पॉलिटिकल लोग और पुलिस वाले भी एक दूसरे के बिस्तर में घुसने लगे। कंपनी पर भरोसा है भाई। पॉलिटिशियन करप्ट पैदा नहीं होता है, उसको करप्ट होना पड़ता है। ए भोसड़ी के डायरेक्टर, अगर तू अपना अगली फिल्म में मेरी लड़की को हीरोइन नहीं लिया ना, तो शाम तक तेरे स्टार बेटे को ठोक देगा। शहर में अब ऐसा टाइम चल रहा है, इंशोत गैंगस्टर्स, बिल्डर लोग, पॉलिटिशियन लीडर लोग, फिल्म वाले, पुलिस वाले सामने एक दूसरे का बिस्तर में घुस रहे। मुझे तुम्हें मारना पड़ा ताई। माधर चोत चूत मारी के मेरे रफीक को मारा तू? मेरे भाई जैसा था रे वो। तू पुलिस वाला समझता है ना? तू है, तेरा फैमिली देखेगा। मैं हो गया। अब सुन, तेरे बाप ने तेरी माँ की चूत में आधा लन लगाया होगा, इसलिए तू आधा पैदा हुआ माधर चोत। मैंने तुम्हारा और उसका टेप फोन कॉल सुना और मैं यकीन नहीं कर सका कि तुम इतने गंदे शब्द इस्तेमाल कर सकते हो। सर, आप समझने की कोशिश करो, वो गैंगस्टर मेरी बुलेट्स और मेरे अरेस्ट वारंट से बहुत दूर कराची में बैठा है। मैं उसे बस मेरी बातों से डरा सकता हूँ। मैंने सुना है तुम अंडरवर्ल्ड के लिए काम करते हो। एक आदमी एक औरत से कितनी भी लव और रोमांस की बातें कर ले, आखिर में तो वो चाहता सिर्फ उसकी चूत। मेरी बात सुन, ये प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं इस सालिम मर्दों को। सब लोग ये समझते हैं कि अंडरवर्ल्ड क्राइम की दुनिया है, जहाँ लोग जरूरत या किसी और दबाव की वजह से आते हैं, लेकिन मैं बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसलिए कि मेरी नज़र में अंडरवर्ल्ड से बेटर कोई करियर ही नहीं है। मुझे तेरे से नहीं, तेरे लिए डर लग रहा है। सिर्फ दो ही चीजें चलती हैं, पावर और सेक्स।